आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने इसके निर्यात पर रोक लगा दी है। दो दिन बाद ही सरकार ने गेहूं की सरकारी खरीद की तारीख बढ़ा दी। रोक के तीन दिन बाद यानी मंगलवार को इस बैन में ढील का भी ऐलान हो गया। सरकार के इन फैसलों से गेहूं की कीमतें कम होने की उम्मीद जताई गई। इसके साथ ही सरकारी खरीद की तारीख बढ़ाने के फैसले को सरकारी खरीद का लक्ष्य पूरा करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि भारत गेहूं उत्पादन के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। सरकार के इस कदम को देश की खाद्य सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए लिया गया है। आखिर पिछले 6 महीने में गेहूं आटे की कीमतों में कितना इजाफा हुआ, इस इजाफे की क्या वजह रही, सरकार को यह फैसला क्यों लेना पड़ा, इन फैसलों से किसानों को फायदा होगा या नुकसान, जानते हैं। सरकार ने 13 मई को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध का आदेश दिया था। उस दिन गेहूं 29.62 रुपए प्रति किलो तो आटा 33.14 रुपए प्रति किलो था। उससे पहले हर दिन गेहूं और आटे के दाम बढ़ ही रहे थे। सरकार के ऐलान के अगले ही दिन दामों में करीब 1 रुपए की कमी आई। 14 मई को खुदरा बाजार में गेहूं 28.46 रुपए प्रति किलो हो गया तो आटा 32.49 रुपए प्रति किलो। हालांकि इसके बाद अगले ही दिन दामों में फिर से इजाफा देखा गया। 19 मई को गेहूं और आटे के दाम 13 मई के दाम के स्तर पर पहुंच गए थे। आपको बता दें कि आज से तकरीबन 8 साल पहले मई 2014 में खुदरा बाजार में आटा 23 रुपए किलो और गेहूं 21.42 रुपए प्रति किलो बिक रहा था। 5 साल बाद 2019 में आटा 28.11 रुपए प्रति किलो और गेहूं 26.63 रुपए प्रति किलो हो चुका था। यानी कि 5 साल में आटे के दाम में 22% तो गेहूं के दाम में 24% का इजाफा हुआ है। बीते 3 साल की बात करें तो आटा 33.14 रुपए प्रति किलो और गेहूं 29.92 रुपए प्रति किलो हो चुका है। 3 साल में आटे के दाम में करीब 18% तो गेहूं के दाम में 12% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। बीते 8 साल की बात करें तो आटे की कीमतें 44% बढ़ चुकी है। वहीं खुदरा बाजार में गेहूं के दाम में भी 8 साल में भी करीब 40% का इजाफा हो चुका है। यहां तक कि अप्रैल में खुदरा बाजार में गेहूं की कीमतें 32.38 रुपए प्रति किलो पहुंच गई थी, जो कि पिछले 12 साल में एक रिकॉर्ड स्तर है। गेहूं की अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों की वजह से निजी व्यापारियों ने जमकर गेहूं की खरीद की। पंजाब हरियाणा में कम आवक के कारण मौजूदा सत्र में 1 मई तक सरकार की गेहूं खरीद 44% घटकर 162 टन रह गई। वहीं निजी कंपनियों ने अधिक कीमत पर गेहूं खरीदा। 2021-22 में भारत का गेहूं निर्यात बढ़कर 70 लाख टन यानी कि 2.05 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा। रूस यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद दुनिया भर में गेहूं की कीमतों में 40% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध से पहले गेहूं और जौ के निर्यात में इन दो देशों की 1/3 हिस्सेदारी थी। इस युद्ध का असर पूरी दुनिया में गेहूं की कीमतों पर पड़ा था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं का निर्यात 2575 रुपए प्रति क्विंटल से लेकर 2610 रुपए प्रति क्विंटल में हो रहा था, जबकि इसका MSP 2015 रुपए क्विंटल है। इस पर आटा मिलों के संगठन रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सरकार के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का स्वागत किया। संगठन ने कहा कि इससे मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। वहीं किसान संगठन भारत कृषक समाज गेहूं निर्यात पर पाबंदी से नाखुश हैं। उनका कहना है कि ये पाबंदी किसानों के लिए एक अप्रत्यक्ष कर की तरह है। संगठन का मानना है कि इस फैसले से किसान ऊंची वैश्विक कीमतों का लाभ नहीं उठा सकेंगे। वहीं राजनीतिक दलों की बात करें तो कांग्रेस ने निर्यात पर प्रतिबंध को किसान विरोधी करार दिया है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि गेहूं की पैदावार कम हुई है। मेरा मानना है कि केंद्र सरकार पर्याप्त गेहूं खरीदने में विफल रही है। मुझे हैरानी है क्योंकि यह सरकार कभी भी किसान हितैषी नहीं रही है। उन्होंने कहा कि अगर पर्याप्त खरीद हो गई होती तो गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं पड़ती।
वहीं भारत के कदम पर 7 औद्योगिक देशों के समूह G7 की ओर से जर्मन कृषि मंत्री ने कहा कि अगर हर देश निर्यात रोक देगा या बाजार बंद करने लगेगा तो संकट और गहरा हो जाएगा। दूसरी तरफ चीन ने भारत के फैसले का बचाव किया। चीन ने कहा कि भारत जैसे विकासशील देशों को दोष देने से वैश्विक खाद्य संकट का समाधान नहीं होगा, जबकि संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत ने आशंका जताई है कि भारत के इस कदम से पूरे विश्व में खाद्य संकट बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।